हेलो फ्रेंड्स, एलके कटिंग में आज आपका स्वागत है। ये देखिए मेरा पौधा बोगनवेलिया का, जो कटिंग से लगाया था, तो ये पीपा गल गया है, तो इसको मैं आज इसमें चेंज करूंगी। इसमें मैंने बेला लगा रखी थी पहले, तो वो सूख गई है, तो इसको मैं छोटे पॉट में दे दूंगी अगर हरी होगी तो। ये बेरिया है एप्पल बेर की, तो इनको मैं चेंज कर देती हूँ, उसको इसमें ले आती हूँ और इनको छोटे पॉट में लगा दूंगी। तो चलिए इनको मैं लगा के दिखाती हूँ, और देखिए नीचे से कैसे टूट रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अब खाली करने लग गई, तो अब इसमें से जो बेरिया और मैं बोल रही थी बेला, तो उनको मैं निकालती हूँ। कैसे निकलते हैं, तो अच्छे निकलेंगे तो मैं लगा दूंगी इन बाल्टियों में, जो छोटी छोटी बाल्टी मैंने रखी हुई है कट करके। नहीं, ये बाल्टी थी, इनका पॉट बना लिया था मैंने कट करके, और तो ये अच्छे से निकाल रही हूँ कि मिट्टी समेत निकल आए, तो इस वजह से कन्नी से और खुरपी से दोनों से ही मैं लगी हूँ। तो ये पहले मैं इसमें जगह कर लेती हूँ, उठा के तुरंत रख दूंगी इसी में मैं। तो ये देखिए मैं हाथ से लाऊंगी इसको उठा के, कन्नी से मैं चारों तरफ से जगह करके नहीं और आराम से निकाल लूंगी इसको। ये देखिए, और ये मिट्टी समेत निकल भी आता है। ये है बेरिया का, एप्पल बेरिया है ये, तो देखते हैं। पहले पिछली बार भी फूट आई थी लेकिन इसमें बेर तो नहीं लगे, लेकिन पत्ती आई थी और फिर दोबारा से मर गई। अब देखते हैं आगे लगती है या नहीं। तो इस दूसरी बाल्टी में जो बेला है उसके लिए जगह कर रही थी मैं, लेकिन वो बेला नहीं, अच्छे से नहीं निकली। देखिए मैं निकालूंगी अभी इसको, तो ये पूरी सूखी निकली। कोशिश तो मैंने ऐसे ही की थी इसकी कि मिट्टी समेत निकल के आएगी, तो लेकिन ये ज्यादा अंदर थी ये, तो इस वजह से इसकी जड़ ऐसे देखिए पूरी टूट गई थी। मतलब मैंने तोड़ के देखी तो सूखी निकली, तो उसको छोड़ दिया मैंने और सिर्फ उसी को लगाया मैंने, बेरिया को। अब इसमें मिट्टी खाली कर लेती हूँ मैंने इसमें, लेकिन इसमें तो बहुत देर लगेगी ऐसा सोच के फिर मैंने इसको इसी में नीचे खाली कर दिया, जो ये कट्टे जैसे मैंने बिछा रखा है इसी के ऊपर, और पूरा मिट्टी खाली कर दिया था। क्योंकि मैं इसमें पत्ती दोबारा से भरूंगी, जो पहली पत्ती थी इसमें भरी हुई, तो उनका खाद बन गया। ये देखिए ब्लैक गोल्ड जिसे बोलते हैं, तो ये पत्तियों का ही खाद है। देखिए आधा बिल्कुल पत्ती का खाद निकला और आधी मिट्टी निकली है, और इसमें कार्डबोर्ड भी मैंने डाले तो वो भी गल गए हैं, एकदम खाद बन गया है। लेकिन जैसे ज्यादा इकट्ठे कार्डबोर्ड डाल देते हैं तो वो इकट्ठे पता चल रहा है कि कार्डबोर्ड है इसमें, लेकिन जैसे ये मैंने मिलाए तो मिल गए थे। तो मैं अब दोबारा से फिर से पत्तियां बदल रखूंगी इनमें। ये देखिए ये एलोवेरा है, और तब तक पत्ती ला रहा है मेरा लड़का। अब मैं सोचा इसको लगा देती हूँ। ये पानी देते समय लड़के से ही टूट गया था, ये पतला वाला जो छोटा वाला होता है एलोवेरा, वो है ये सिर्फ शो पीस के लिए ही है, काम तो इसे हम ले नहीं सकते, इसमें जूस नहीं निकलता। तो ये देखिए पत्ती मंगाई तो क्या लाया, थोड़ी सी लाया है, तो फिर मैं गई खुद और फिर लाई। देखिए, और इसको मैंने अच्छे से भर लिया था, भर के से दबा भी दिया था मैंने इसको, क्योंकि पत्तियां हैं जैसे हम मिट्टी डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगी, और जैसे गलती जाएंगी धीरे धीरे तब भी ये नीचे बैठती जाती हैं, क्योंकि हम भरते हैं तो बराबर भरते हैं हम पीपाओं को अपने को, जो भी हम अपना ये गमला लेते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं तो बैठ जाते हैं। तो ये देखिए, ये मैं निकाल रही हूँ, जो बोगनवेलिया दिखाई थी मैंने शुरुआत में ही, इसको लगाने के लिए मैंने ये पीपा लिया था। तो ये देखिए नीचे से ही वो टूट गया था और साइड से एकदम सही था, तो उसको मैंने नीचे से ही उठवाया कि ऊपर उठा और ये नीचे ही निकल जाएगा पूरा ऐसे कैसे, तो मुझे उठाना ना पड़ेगा। तो मैंने मिट्टी समेत उठा के ऐसे कि ऐसे ही रख दिया ये, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो 22 मई चल रही है, खूब कड़ाके की धूप पड़ती है और खूब गर्मी पड़ रही है, 40-45 डिग्री हो रखा है तापमान, लेकिन हमने मिट्टी समेत हम पौधा लेते हैं और लगाते हैं और उसको फिर शेड में रखते हैं या छाया में रखते हैं, तब अच्छे से लग जाते हैं। चेंज करके हम धूप में रखेंगे तो धूप में तो अच्छे अच्छे जल रहे हैं इस टाइम में, तो उनके लिए भी मैंने जगह की आज, कुछ अंदर रखे, कुछ ग्रीन शेड के नीचे रखे हैं, ग्रीन नेट लगाया था मैंने जो उसके नीचे, आज मैंने और बढ़ाया है, स्टैंड बनाया था, किसी वीडियो में डालूंगी मैं अभी एक दो दिन बाद, भी नहीं डालूंगी। तो ये मेरा पौधा हो गया तैयार, ये देखिए। अब इसको मैं उसकी जगह पर रखवा देती हूँ पहले, नहीं तो पानी डालने से वजन हो जाता है। तो ये देखिए लग गया, अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब बताइए आप मेरी रिपोर्टिंग कैसी लगी आपको। और ये देखिए दोस्तों, इसको भी मैं लगा देती हूँ क्योंकि ये गल गया था। तो ये वही एलोवेरा है, मैं सोच रही थी कल की जो वीडियो डाली मैंने उसमें भी एक डंडी लगाई थी मैंने कट करके ऐसे ही, मैं सोच रही कि मेरे लड़के ने पानी देते समय गिरा दिया, लेकिन नहीं, ये खुद से ही गल गल के इसकी स्टेम गिर रही थी और ये सही है। तो इसको मैंने लगा दिया इसमें, और उसको मैं अलग दूसरी बोतल में लगा दूंगी। ये देखिए, तो इसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया, वो कटिंग है, तो ये मेरी तैयार हो जाएगी अब, कटिंग्स लग के नहीं। और दोनों पौधा मेरे तैयार हो गए अभी, मैंने वो वाला भी लगा दिया उसका जो पीपा टूट गया था और ये गिर रहा था, छोटा पॉट था इसका, तो इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा पॉट दे दिया। तो आप बताइए मैंने जो किया है ये कैसा लगा आपको रिपोर्टिंग,
और कटिंग्स दोनों हैं। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।